देखो मैंने आपको एक सिनॉप्सिस बता दिया है, कंपटीशन लॉ क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि हमने कार्टेल का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से किया था, और मुझे लगता है आप सभी लोगों को कार्टेल क्या है ये पता है। कुलजीत को पता है कार्टेल क्या है? कुलजीत आपको पता है बेटा कार्टेल क्या है? यस आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक जितना आपने पढ़ा आपको समझ आ गया है? संदीप यस का ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कार्टेल का कॉन्सेप्ट बताया था, कंज्यूमर का मतलब समझाया था, और मैं बोला था ये याद रखना, आपको कंज्यूमर का डिफरेंस बिटवीन पूछेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट दोनों में। तो आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर जो होता है सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए सामान यूज करता है, और कंपटीशन एक्ट में माना जाता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी करता है। फिर मैंने आपको एंटरप्राइज का मतलब बताया, गुड्स का मतलब बताया, पर्सन का मतलब बताया, और आपको ये सारे समझ आए होंगे और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। फिर मैंने आपको प्राइस का मतलब बताया, रेलेवेंट मार्केट बताया, उस मार्केट को बोलते हैं जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया है और परमिट किया है कि आप ऑपरेट करो। जैसे अगर एरिया वाइज जाना जाए तो ज्योग्राफिक है, और प्रोडक्ट वाइज जाना जाए तो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट है, इसका डिफरेंस भी आपको मैंने बताया। अब मुझे आपको क्या करना है, आगे के कंसेप्ट समझाना है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप एक एक करके अच्छे समझना। आज हम करते हैं सर्विसेस पे आते हैं। सबसे पहले देखो सर्विस का मतलब होता है हर तरह की इनटेंजिबल सर्विस जिसको एक यूजर ऑप्टेन कर रहा है। हमेशा याद रखो गुड्स को परचेज किया जाता है और सर्विसेज को यूज किया जाता है। गुड्स खरीदने वाला बायर कहलाता है और जो सर्विस यूज करता है उसे यूजर कहते हैं। तो हम कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं, और अगर एक बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन तो यार वो है जो गुड्स सेल कर रहा है, तो बिजनेसमैन वो भी तो है ना जो सर्विसेज दे रहा है। तो हमको सर्विस की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और सर्विस का एक्चुअल में मतलब होता है हर तरह की सर्विस जो यूजर को प्रोवाइड की जा रही है। इसमें बेसिकली क्या क्या आ जाती है मेन सर्विसेज, जैसे बैंकिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, फाइनेंसिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, चिट फंड बिजनेस आ जाता है, रियल एस्टेट आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, स्टोरेज आ जाता है, और इसके अलावा और भी वेरियस सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बोर्डिंग, लॉजिंग। अच्छा एक बात बताओ, बोर्डिंग का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? बोर्डिंग का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? हाँ या ना बोलो। नो सर, शिप में सामान डलवाना बोर्डिंग कहलाता है। बोर्डिंग वर्ड का मतलब होता है टू ट्रेवल। आप कभी भी बस पे बोर्ड करते हो, ट्रेन पे बोर्ड करते हो, ठीक है, जब आप ट्रेवल करते हो कुछ रखाते हो, दैट्स बोर्डिंग। लॉजिंग मतलब रुकना होता है। जितने भी एंटरटेनमेंट है, अम्यूजमेंट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का या रिपेयर का काम है, हर चीज सर्विस में है। क्या आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है? जवाब नहीं करना है, इसे पूछता नहीं है, पर मीनिंग बस पता होनी चाहिए कि जितनी भी बिजनेस सर्विसेज या इंडस्ट्रियल सर्विस होती हैं सब सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है, दैट्स इट। तो इसको आप इग्नोर भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, मैं समझाऊंगा सारी चीजें आपको। शेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली शेयर वो होते हैं जो कंपनी में वोटिंग राइट कैरी करते हैं। अब बेसिकली ये सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है और ये स्टॉक के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। फर्क बस क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर ये एक सिंगल सिक्योरिटी है तो इसको स्क्रिप बोलेंगे, और ये रिटेल में आपको बेची जाती है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ एक शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपीज का है, आपने अगर इस शेयर को खरीदा तो ये स्क्रिप कहलाएगा या नॉर्मल रिटेल सिक्योरिटी कहलाएगी। और जब आप स्टॉक वर्ड यूज करोगे इसके साथ तो स्टॉक मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी कंपनी में अलग अलग डिनोमिनेशन के शेयर हैं, 100 शेयर 5 रुपए के हैं, ठीक है, 200 शेयर 10 रुपए के हैं, तो टोटल कितने शेयर है मेरे यहाँ, तो टोटल मेरे शेयर का स्टॉक है 300 शेयर का। तो कभी भी याद रखना, नॉर्मली लोग स्क्रिप्ट खरीदते हैं या नॉर्मल सिक्योरिटी खरीदते हैं, स्टॉक
नहीं परचेज करते हैं। तो शेयर का मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल है, जिसे सेल करके कंपनी कैपिटल जाती है। ये सिक्योरिटी या स्क्रिप के फॉर्म में भी होता है, मतलब रिटेल में भी होता है, और स्टॉक के फॉर्म में भी होता है, मतलब होलसेल के फॉर्म में होता है। कंफ्यूज तो नहीं हुए, समझ आया कि नहीं शेयर का मतलब? ये बताओ शेयर का मतलब समझ आया कि और डिटेल में जानना है? बोलो। यस सर, आ गया सर। आ गया, गुड। तो आपने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा? सर्विसेज पढ़ा, शेयर पढ़ा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको एट लास्ट पढ़ेंगे। और हर एक वर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा। ट्रेड वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता है, इससे पूछ देता है क्या होता है ट्रेड। तो हर तरह का बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जिसे गुड्स को प्रोड्यूस, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट, स्टोर या कंट्रोल किया जा रहा है, सभी चीज ट्रेड में आ जाती है। शॉर्ट में बात करूं तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी को ट्रेड माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ट्रेड का मतलब। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, सर्विस क्या होती है बताया, शेयर क्या होते हैं बताया, ट्रेड क्या होता है बताया, और आपको ये तीनों समझ आया होगा। अगर आ गया तो यस और नो करके मुझे बता दो, सर ये तीनों चीज हमको समझ आ गई है। अब तुमको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था आपको, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से एग्जाम में पूछता है, और ये है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ठीक है, आप खुद सोचना और मुझे एक बात बताना। मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूं, ठीक है, प्रज्वल मेरे यहां एसोसिएट हुआ है एज अ लॉ टीचर, प्रज्वल मेरे यहां एज लॉ टीचर एसोसिएट हुआ है, ठीक बात है। अब क्या हो रहा है, मैंने इसके साथ एक अग्रीमेंट किया और इस अग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल दिया, एक टर्म डाल दिया कि अगर आप हमसे हटते हो या हमें लेफ्ट करते हो तो आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर कभी टीचिंग नहीं कर पाओगे, लॉ नहीं पढ़ा पाओगे। सही चीज है कि गलत चीज है? गलत चीज है सर। क्या गलत है इसमें सर? गलत है क्योंकि कभी मतलब सिचुएशन अगर उसके मतलब अगेंस्ट आता है और अगर वो स्विच करता है कहीं और या उसको कहीं जाना पड़ जाता है तो सर वो जिंदगी भर पढ़ाई नहीं पाएगा। अब इसको मैं एंटी कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहा हूँ ये बताओ। इसको मैं एंटी कॉम्पिटिटिव इसलिए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को डाल के मैं अपने सामने का एक कंपटीशन खत्म कर दे रहा हूँ। मतलब ये है कि तुम हटोगे तो कभी लॉ नहीं पढ़ा पाओगे। तो मेरा एक कंपटीटर मार्केट से हट गया कि नहीं हटा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए कि वॉइड होना चाहिए? ये वैलिड होना चाहिए कि वॉइड? वॉइड। सीधी सी बात है, वॉइड होना चाहिए। वॉइड होना चाहिए सर। ऐसे एग्रीमेंट बनाना ही नहीं चाहिए। तो हमको क्या पढ़ना है, कंपटीशन एक्ट में ये पढ़ना है बेटा कि कौन कौन से एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। ऐसे आपको एग्जांपल से एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। ये ऐसे अरेंजमेंट या अग्रीमेंट्स को बोलते हैं जो कंपटीशन पे एडप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, ए ई, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। इसका मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन। ऐसे अग्रीमेंट जो कंपटीशन पे नेगेटिव इंपैक्ट डालें या नेगेटिव असर डालें उसे एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट बोले जाते हैं। अब कंपटीशन एक्ट के हिसाब से एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है टाई इन अग्रीमेंट। मैं एक एग्जांपल से आपको ये सिखाऊंगा फिर समझाऊंगा ये क्या है। आप BSNL से कनेक्शन देने गए, किसका कनेक्शन? इंटरनेट का कनेक्शन देने गए। इंटरनेट के कनेक्शन की फीस जो है BSNL की, मैं बोलता हूं 2500 रुपए। अगर इस एग्जांपल से नहीं समझ आया तो एक और सिखाऊंगा। अब BSNL वाला आपको बोलता है कि भैया देखो, इंटरनेट के लिए ना मॉडम भी लगता है घर में।
आपको क्या करना होगा, हमसे ही मॉडम 1000 रुपए में खरीदना होगा और वो भी डाइटेल कंपनी का। आपको बीएसएनएल वाला फोर्स कर रहा है कि अगर आपको हमारा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको हमारे यहाँ से डाइटेल का मॉडम खरीदना ही पड़ेगा। अब अगर कस्टमर यहाँ पे मॉडम खरीद लेता है मजबूरी के कारण, तो इसके कारण क्या होगा, जो अदर मॉडम प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बताओ, फायदा होगा कि नुकसान होगा? लॉस होगा, सीधी सी बात है, लॉस होगा। और इनका कहना होगा ये बहुत गलत बात है, आप तो कस्टमर को ये समझा दे रहे हो कि इंटरनेट के लिए मॉडम लगता है, वहीं पे डाइटल का ही मॉडम बिकवा दे रहे हो, तो हमारे मॉडम मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, तो ये एग्रीमेंट गलत है क्योंकि इससे हमको नुकसान हो रहा है। आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया होगा तो ऐसे भी समझ लो, आप मेरा एक बुक डिपो है, मेरा एक बुक डिपो है, ठीक है, और 2 बुक डिपो और है, एक बुक डिपो जो है वो श्रेजल का है, ठीक है, एक बुक डिपो जो है वो किसका है, मान लो एक बुक डिपो संदीप का है, ठीक है, 3 बुक डिपो मार्केट में, जबरदस्त हम एक दूसरे के कंपटीटर है। अब मैं क्या किया, हमारे एरिया में एक स्कूल है, ठीक है, जहां पर मेनली हमारी बुक्स सबसे ज्यादा बिकती थी, तो मैंने उस स्कूल से एक सेटिंग कर दी कि आप स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ेगा आप उस बच्चे को फोर्स करोगे कि वो मेरे ही बुक डिपो की बुक्स खरीदेगा। अब जब मैं ऐसा करूंगा ना तो इससे क्या होगा, श्रेजल के बुक डिपो को और संदीप के बुक डिपो को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और हम इसको एंटी कंपिटिटिव मानेंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल के थ्रू मैं लोगों को फोर्स करवा रहा हूं कि अगर स्कूल में पढ़ना है तो मेरे ही यहाँ की बुक्स खरीदो, वरना हम आपको पढ़ना अलाउ नहीं करेंगे। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, इसे टाई इन बोलते हैं, मतलब मेन सामान खरीदना है, जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है तो हमारी यहाँ की किताब खरीदो। और इसका एग्जाम्पल चाहिए तो एचपी की कभी गैस लगाने जाना कनेक्शन, ये बोलते हैं आपको स्टोव हमारे यहाँ से ही खरीदना होगा, तो ये एक टाई इन अग्रीमेंट है, ये गलत है। तो इस पर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि कस्टमर अगर मना कर दे कि मैं स्टोव नहीं खरीदूंगा, या बीएसएनएल वाले को बोल दे कि तुम्हारा मॉडम हम नहीं देंगे, तो ये लोग फोर्स नहीं कर सकते आपको, ये लोग आपको ऑप्शन दे सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये फोर्स करे तो ये टाई इन अग्रीमेंट हो जाएगा जहां पे आपको मजबूर किया जा रहा है एक और सामान खरीदने के लिए, और इसके कारण दूसरे प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। आपको टाई इन अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? यस सर, एकदम क्लैरिटी से संदीप समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया परफेक्टली। तो टाई इन अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है रिक्वायरिंग परचेजर एज अ कंडीशन ऑफ परचेज, परचेज में शर्त डाल दी जाती है टू परचेज सम अदर गुड्स, आपको बोला जाता है एक और सामान खरीदो ही करके। एग्जाम्पल याद रखना गैस डिस्ट्रीब्यूटर का, वो आपको गैस स्टोव खरीदने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप ये याद रखना कि इस पे एडवाइजरी है कि वो आपको फोर्स नहीं कर सकेंगे, मजबूर नहीं कर सकते आपको, वो आपकी चॉइस है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, ये बात भूलना मत, ठीक। तो ये पहला एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट है जो टाइम कहलाता था, जहां आपको फोर्स किया जा रहा था कि मेन परचेज के साथ एक और सामान खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा होता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, वो आपके ऊपर फोर्स डाल रहा है कि आप सामान की सप्लाई सिर्फ उसी से उठाओगे, ठीक है, उसके अलावा किसी और से नहीं उठाओगे, आपको हम कहीं डील ही नहीं करने देंगे। आपको अगर सप्लाई उठानी है तो हमारे ही सामान की सप्लाई उठानी होगी, हमारे अलावा किसी और की नहीं। जैसे मैं बिस्किट बनाता हूं टी बिस्किट नाम से, अब जितने होलसेलर और रिटेलर है उनको मैं ये बोलता हूं आपको सिर्फ टी बिस्किट की ही सप्लाई उठानी है, उसके अलावा आप किसी और चीज की या किसी और बिस्किट की सप्लाई उठा ही नहीं सकते, तो ये चीज सही है कि गलत है, आप बताओ, ये चीज सही है कि गलत है? गलत है सर। क्या गलत है इसमें, गलत क्या है? क्योंकि सर मतलब रिस्ट्रिक्शन हो रहा है ना डायरेक्टली, वो तो मतलब अगर वो अगर उसकी क्वालिटी खराब होगी हमको दूसरा लेना होगा तो हम नहीं ले सकते। वेरी गुड, मैं होलसेलर हूँ यार, मैं वैरायटी रखता हूँ जब तक मैं एजेंसी ना लिया हूँ,
तो अगर मैंने एजेंसी नहीं दी हुई है तो मैं तो किसी भी वैरायटी का सामान बेच सकता हूँ। आप कौन होते हो मुझे मजबूर करने के लिए कि मैं आप ही के सामान की सप्लाई उठाऊ? तो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट बेसिकली वो एग्रीमेंट होता है जहां ट्रेडर्स को मजबूर किया जाता है कि आपको हमारी सप्लाई उठानी पड़ेगी, हमारे अलावा किसी और की नहीं। Includes any agreement restricting in any manner from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of seller or any other person. हमारे अलावा किसी और का सामान नहीं उठाओगे, ना ही उसमें डील करोगे। आप बस हैंड रेस करके बता दो आपको ये दोनों समझ आ गया कि नहीं, टाई इन और सप्लाई, ये दोनों समझ आया कि नहीं आया? श्रेजल कुलजीत को आ गया, प्रज्वल को, संदीप को आ गया, नहीं आया, आ गया। आज कौन नहीं है क्लास में? संगीता नहीं है, और ज्वाइन करी थी फिर नहीं कर पाई। और कोई एक नहीं है पर्सन, यार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। पंकज सर कहाँ है? पंकज सर उसके फोन में बैटरी नहीं, सर उसके फोन में बैटरी नहीं, अभी मैसेज किया था मेरे को। अच्छा, तुम लोग उसको, खैर रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है लेक्चर की, ये समझा पाओगे अगर समझाना पड़ा तो? जी सर, जी सर। चलो तीसरा देखते हैं बेटा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। मैं बोलता हूँ यार सिचुएशन कुछ ये पड़ रही है कि कुलजीत जो है मार्केट की लीडर मैन्युफैक्चरर है और हम सब लोग जो है ना वो ट्रेडर है। ट्रेडर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और हर जगह बांटता है या बेचता है। अब कुलजीत हमको फोर्स कर रही है कि तुम्हारे ये एरिया मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं जिस एरिया में बोलूंगी वही सामान बेचना तुम। तो जैसे मेरा रहना दुर्ग में है और कुलजीत बोल रही है कि सर आप मेरे से जो सामान परचेस करते हो आपको उसको केरला में ही बेचना है, उसके अलावा कहीं नहीं बेच सकते, तो ये सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत क्या है यहाँ पे बताओ, गलत क्या है? सर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपको एक जगह रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। गुड, वेरी गुड। और सेकंड थिंग, आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले कोई होते ही नहीं हो। आप मुझे सामान बेचे, आपको पैसा मिल गया है, और जब आपको पैसा मिल गया तो मेरी चॉइस है, आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूं वहां बेच सकता हूं। तो आप ऐसा मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि सर यहां डिस्ट्रीब्यूट करो या वहां डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको मैं तीनों रिपीट कर रहा हूं, सुनो। टाइन एग्रीमेंट में फोर्स किया जा रहा है कि ओरिजिनल परचेज के साथ एक और सामान खरीदना पड़ेगा, तो इससे जो सप्लीमेंट्री सामान बनाने वाले लोग हैं उनका बहुत नुकसान होता है। जैसे मॉडर्न वाला एग्जांपल याद रखना, या स्टो वाला याद रखना, बुक डिपो वाला याद रखना, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। सप्लाई में आपको बोला जा रहा है हमसे ही सप्लाई उठाना, हमारे अलावा किसी से मत उठाना। डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जा रहा है चलो सामान तो दे दिए पर हम जहां बोलेंगे केवल वहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके अलावा कहीं मत करना। फिर आता है रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील बेसिकली ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर धमका रहा है। मैन्युफैक्चरर ये बोल रहा है कि अगर आप हमसे डील नहीं करोगे तो हम आपको किसी और से भी डील नहीं करने देंगे। इफ यू डील विथ अदर पर्सन, आप दूसरे मैन्युफैक्चरर से जाके डील करोगे, कल को हमारे पास आओगे तो हम तुमसे क्या करेंगे, डील करने से मना कर देंगे, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो इससे तुम्हारे मन में एक प्रेशर आएगा और तुम क्या करोगे, मजबूरी में इसी से डील करोगे, इसी पर्सन से। कितना क्लियर है मेरी बात? कितना क्लियर है मेरी बात? और एग्जांपल चाहिए कि क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल बता दीजिए सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल आप ऐसा दे सकते हो कि जैसे मान लो संदीप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, SS ब्रांड। अब यार आप एक ये वर्ड सुने हो क्या कभी, फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज सुनते हो? अब मैंने क्या किया, संदीप की फ्रेंचाइज ली। संदीप को क्या बोलना है कि अगर तुमने मेरी एक बार फ्रेंचाइज दे दी तो तुम लाइफ टाइम, जिंदगी भर किसी और के प्रोडक्ट में डील नहीं कर पाओगे। तो ये सही शर्त है कि गलत शर्त है? नहीं सर, गलत शर्त है। ठीक भाई, तुम एक टाइम के लिए बोलते, चलो जैसे 2 साल बोलते, ठीक है हम 2 साल तुम्हारी फ्रेंचाइज चलाते हैं, जमेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे वरना मना कर देंगे। अब तुम ये बोल रहे हो कि भाई तुमको जिंदगी भर मेरी फ्रेंचाइज चलानी पड़ेगी और बाकी लोग से तुम डील ही नहीं कर पाओगे, यू हैव टू रिफ्यूज द डील ऑफ अदर्स, तो ये शर्त तो एकदम गलत है यार। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। सभी लोग को, श्रेजल कुलजीत समझ आया बेटा? Yes, sir. एकदम परफेक्टली अभी तक कंपटीशन एक्ट में सारी चीजें समझ आ रही है?
यस सर आपको कर भी क्या था माइक्रोसॉफ्ट टीम में ना हम चैट नहीं कर पा रहे थे तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आपको समझ कितना आ रहा है। दो दिन में अभी हमने जितना भी पढ़ा है आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ है। और सेकंड थिंग आपने ये नोट्स पढ़े कि नहीं पढ़े, सभी से पूछ रहा हूँ, आपने नोट्स देखे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अभी क्या होगा आपकी क्लास जब जैसे मेन वहां शुरू होगी एबीएस में तो इसका फिजिकल कॉपी भी दे देना आप लोग, ठीक है? अभी हम लोग मिल नहीं सकते करके मैंने आपको पीडीएफ भेजा है और फिर हम फिजिकली पढ़ेंगे जब तक ऑनलाइन है, करते हैं यार ऑनलाइन है ना, और जूम से ही पढ़ेंगे अभी क्योंकि इससे कम से कम तुम लोग से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है? अगला उसके बाद जो आता है वो है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये सबसे गलत एक्टिविटीज में से क्या है, मैं गुड्स का ओनर था। अंकित है क्या अपने साथ कोई, अपने साथ कोई अंकित है क्या सीएमए फाइनल में? नहीं पता सर। नहीं है तो नहीं ऐड करते क्या? दूसरे बैचेस चलते रहते वहां के बच्चे ऐड हो जाते हैं ना इसलिए। कोई नहीं, मैं गुड्स का ओनर हूं यार, ठीक है? मान लो मेरे पास गुड्स के रूप में कार है, मैंने कार ओरिजिनली खरीदी थी 10 लाख रुपए की। कौन सी कार आती है 10 लाख में? वरना। अब ये कार मैंने क्या किया, संदीप को बेच दिया। तो अब इस कार का ओनर कौन है अगर मैंने कार संदीप को सेल कर दी तो? संदीप ओनर हो गया, सही बात है। अब मैं क्या किया कि जब कार बेचा ना संदीप को तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि संदीप जब तुम आगे रीसेल करोगे, जब तुम आगे रीसेल करोगे कार को तो तुमको 2 लाख रुपए में ही करनी होगी, उससे ज्यादा में नहीं कर सकते। अब बताओ ये शर्त सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है शर्त में सर? सीधा सीधा 80% का लॉस है। बात 80% का लॉस हो रहा है ना सर? बात ये है कि ओनर संदीप है तो उसकी चॉइस है ना वो कितने में बेचे। मैं कौन होता हूँ? मैंने बेच दिया, मेरा राइट खत्म हो गया है ना, मेरा राइट खत्म हो गया तो मैं कोई होता ही नहीं हूँ। संदीप अपने हिसाब से बेचे। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब होता है गुड्स सेल करने के बाद एक शर्त लगा देना कि जो गुड्स का परचेजर है वो आगे जब गुड्स को सेल करेगा तो हमारे बताए रेट पे करेगा, अपने रेट पे नहीं कर सकता। तो इसको एंटी कंपिटिटिव माना जाता है, इससे आप मार्केट के कंपटीशन को हैम्पर कर रहे हो। यस और नो हैंड रेस करो आपको ये चारों समझ, पांचों समझ आ गए कि नहीं? टाई इन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल, क्लियर हो गया? गुड। अब आखिरी आता, आज सिर्फ इसी पे अपन फोकस कर रहे हैं, जितना करेंगे अपने को अच्छे से करना है। हम आएंगे उसके बाद बिड रिगिंग पे और हम इसके ऊपर दिख देंगे वीवीआईएमपी। सेपरेट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस, इसे सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक? बिड क्या है उसकी बात करते हैं। बिड एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक जिसमें सबकी सुनी जाती है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है यूज्ड इन कंपटीशन, जिसका इस्तेमाल कंपटीशन में होता है। सर क्या बोले, कुछ पल देनी पड़े। मेरा बोलना ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे अगर ये मेरा सामान है मैं एक रेट कोट करके एक पर्सन को बेच सकता हूँ, और कई बार मैं ये कर सकता हूँ कि अगर एक मेरा सामान है तो मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि आप लोग आकर रेट कोट करो, तो सब लोग क्या करते हैं अलग अलग फिर रेट बताते हैं। तो कम रेट बताएंगे कि ज्यादा रेट बताएंगे, आप ये बताओ। जैसे मेरा रेट 1 लाख का है, अब आप लोग सामान खरीदने आए हो तो आपकी जो बोली होगी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, बताओ? ऊपर जाएगी सर। सीधी सी बात है, आप हायर बिड लगाओगे और इससे क्या होगा, कंपटीशन को प्रमोशन मिलेगा। प्रज्वल ने बोला 1,10,000 तो संदीप बोलेगा 1,50,000, उसको देखकर कुलजीत बोलेगी 2 लाख, कुलजीत को देखकर श्रेयस बोलेगी 4 लाख। ऐसे करते करते सामान की भी कीमत बढ़ेगी और कंपटीशन इंप्रूव होगा, रेट बढ़ जाएगा, सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बिड की बात करूं तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट का कोई वर्क निकलता है, पब्लिक वर्क निकलता है, जैसे रोड बनाना है या डैम बनाना है, तो जैसे इसकी कीमत 1 करोड़ रखी गई, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें ये वर्क दे दो, इसको टेंडर निकालना बोलते हैं। तो इसमें सिस्टम क्या होता है, जब लोग बिड लगाने आते हैं
तो यहाँ पे लोवेस्ट बिड मानी जाती है, लोवेस्ट बिड को मानते हैं सर। सबसे सस्ते में करके देगा उसको सामान देंगे, कितना क्लियर है? सामान मतलब कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये बात में क्लैरिटी है कि नहीं है ये बताओ। यस सर। अब हुआ क्या ये सर, क्लियर? अभी इस बिडिंग में कौन कौन आया? संदीप आया, प्रज्वल आया, श्रेजल आई, कुलजीत आई और मैं हूं। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने और कुलजीत ने पहले से ये डिसाइड कर दिया है हम ही दोनों बस बिड करेंगे, बाकी लोग को ना बिड करने से धमका वमका के डिस्करेज कर देंगे, भगा देंगे। तो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हम ही दोनों बिड करेंगे, बाकी लोग को कुछ तो ऐसा बोल देंगे कि लोग डर के चले जाए, कोई बिड करे ही ना, तो ये सही है कि गलत है? सर गलत है। अच्छा, दूसरा, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल को पहले से पैसा खिला देते हैं, एक काम करो सर बिड तो लगवा लो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये संदीप को ही मिलना चाहिए, तो सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। तो बिड रिगिंग का मतलब होता है बिडिंग प्रोसीजर को मैनुपुलेट करना। क्या करना है? मैनुपुलेट करना। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पब्लिक का ही नुकसान होता है। गलत इंसान के हाथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट चले जाता है, फिर आप न्यूज में सुनते हो बिल्डिंग गिर गई, पुल गिर गया, ओवर ब्रिज गिर गया, यही कारण है लोग बिड रिगिंग करके कॉन्ट्रैक्ट हथिया देते हैं। तो ये एंटी कंपटीशन तो मेनली होता ही है। हाँ ये होता ही है, भ्रष्टाचार तो है ही ना बेटा देश में, क्या करेंगे, है कि नहीं? अब है तो है। तो देखो, बिडिंग एज अ प्रैक्टिस इज इंटेंडेड टू एनेबल द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द मोस्ट फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन। बिडिंग इसलिए कराई जाती है ताकि सबसे बेस्ट वे में आपको सामान मिल सके। इनविटेशन ऑफ बिड्स इज रिसोर्टेड टू बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज। दोनों ही बिड कराती हैं, गवर्नमेंट भी कराती है, प्राइवेट बॉडीज भी कराती हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग द मोस्ट फेवरेबल प्राइस एंड कंडीशन मे बी नेगेटेड। नेगेटेड मतलब होता है निग्लेक्टेड या इग्नोर्ड इफ द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स कोल्यूड। कोल्यूड वर्ड को हिंदी में बोलते हैं मिली भगत, एंड एक्ट इन कंसर्ट। सच collusive bidding or bid rigging contravenes the very purpose of inviting tender. अगर आप मिली भगत कर दोगे तो फिर टेंडर बुलाने का या बिडिंग करवाने का कोई मतलब नहीं है और ये चीज एंटी कंपिटिटिव है। आपको लैंग्वेज समझ आई कि नहीं, आप पहले ही बताओ, आपको ये लैंग्वेज समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? थोड़ा सा लैंग्वेज पे हमको खास ध्यान रखना, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि एक बिडिंग प्रोसीजर में बिड रिगिंग हो रही है या लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं या मैनुपुलेशन कर रहे हैं? तो सबसे पहला, जितने लोग आए सबने आइडेंटिकल बिड डाल दी, तो इसे पता होना चाहिए कि आपस में बात करके आए थे, तो इसे बिड हो जाएगी कैंसल और किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो ये बिड रिगिंग कह जाएगा। दूसरा, पहले से डिसाइड कर दिया कि गवर्नमेंट टेंडर में कौन लोवेस्ट बिड लगाएगा और उसके आगे फिर कोई और बिड नहीं लगाएगा, तो इससे क्या होगा बेसिकली कि उस पर्सन को टेंडर मिल गया रहेगा। ये पहले से सेटिंग वाली बात है, पहले से डिसाइड कर दिए कि हम सब आ तो रहे हैं पर लोवेस्ट बिड संदीप की लगेगी और ये टेंडर संदीप को मिलना चाहिए, फिर अगले टेंडर में यही चीज श्रेजल के साथ करेंगे, उसके अगले टेंडर में कुलजीत के साथ, और जो पैसा गवर्नमेंट से आएगा सब मिलकर खा जाएंगे। कितना क्लियर है, समझ आए कि एग्जाम्पल चाहिए? yes. देन अग्रीमेंट कर दिए एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं करना है, पहले से बात करके आ गए कि अगर यहाँ श्रेजल बिडिंग करेगी तो जमशेद सर नहीं करेंगे, अगर संदीप बिडिंग करेगा तो फिर प्रज्वल बिडिंग नहीं करेगा। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बिड में आए तो सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो, आप ऐसे एक दूसरे से कोलिजन थोड़ी ना कर सकते हो। सही बात है, गलत बात? यस सर। ठीक है, देन पहले से ही प्राइस कैलकुलेट कर दिए कि बिड इतने रुपए पर रुक जानी चाहिए, इतने रुपए की बिड बननी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं बननी चाहिए, इससे कम या ज्यादा हुई तो बिडिंग रोक देंगे। आप प्राइस पहले से कैलकुलेट करके आए हो, तो अगर आपने प्राइस पहले से कैलकुलेट कर दिया है तो गुड्स का कभी भी सही वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। आपने पहले से डिसाइड कर दिया कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 करोड़ का है तो ज्यादा से ज्यादा 99 लाख की बोली लगेगी, उससे ज्यादा की नहीं लगेगी, तो आपने अगर कॉमन नॉर्म में डिसाइड कर दिया है तो ये बिड रिगिंग कहलाएगा। देखो एकदम आसान है, कैसे कैसे बिड का मैनुपुलेशन होता है, सब एक जैसी बिड डाल रहे हैं, या फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, पहले से डिसाइड कर दिया लोवेस्ट बिड कौन डालेगा, तीसरा ये डिसाइड करे एक दूसरे के खिलाफ बिड नहीं करेंगे, पहले से प्राइस डिसाइड कर दिए, पांचवा बाकी बिडर्स को भगा दिए डरा धमका के,
ये अक्सर गुंडे बदमाश लोग करते हैं, रेलवे वेलवे के पार्किंग के टेंडर निकलते हैं तो कोई एक गुंडा पर्सन रहेगा, वो गोली वोली चला देगा, बाकी लोग भाग जाएंगे, किसी को टेंडर नहीं मिलेगा। कितना क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया ना? यस आ गया। यस सर। अगला, पहले से रोटेशन बेसिस पे बिड विनर डिसाइड कर दो कि इस बार की बिड में जैसे प्रज्वल विनर है, अगली बार की बिड में कुलजीत होगी, फिर श्रेजल, फिर संदीप और फिर पांचवी बिड में जमशेद सर होंगे। तो हम पहले से अगर ये डिसाइड कर दे कि बिड विनर कौन होगा तो फिर बिड कराने का मतलब क्या है जब तुम्हारे बीच पहले से डिसाइडेड है। तो ये सब जो है बिड रिगिंग के तरीके हैं और ये तरीके बहुत गलत माने जाते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट ये रिटेंडेंट पॉइंट है, इसको नहीं करना है अपने को, इतने पॉइंट हमको करने हैं। अब अभी तक जो हमने क्लास में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने, पढ़ा सर्विस क्या होती है, शेयर क्या होते हैं, ये दोनों समझ आ गया होगा, इसमें तकलीफ नहीं गई होगी। ट्रेड का मतलब समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक है। एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स जितने हैं आपको सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आपको पूरा आ गए सर? आ गए सर। कोई भी क्वेश्चन आया किसी प्रकार से बना दोगे? यस सर। तो फिर बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर देना इसका। अभी म्यूट कर रहा हूँ पहले, तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर इसका आंसर आपसे चाहिए। Airtel Limited are one of the most popular and biggest telecom operator in India. As per the revised policy of Airtel, any person using the service of Airtel must buy OnePlus brand mobile. Otherwise, service will be disconnected. Is the policy valid? No, sir. Not valid, sir. उसका आंसर कैसे फ्रेम करें हम लोग? क्या लिखना पड़ेगा इसका? Sir, this is a tie-in agreement done by the Airtel Limited. तो पहले हम क्या समझाएंगे इसमें, tie-in agreement क्या होता है, right? Yes, sir. जब हम ये समझा देंगे तो हम in the present case करके बताएंगे कि ये जो policy है ये valid? नहीं है। क्या आप इसका answer frame कर पाओगे, बना दोगे? नहीं है। आपको समझ आया कि नहीं, question ये बताओ। समझ में आ गया सर, बस पैटर्न थोड़ा सा सीखना पड़ेगा था सर इसमें। तो इसकी अभी ये चैप्टर खत्म हो तो ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं अपने को। अभी ये तो समझ आ रहा है कौन सा टॉपिक सर रिजेक्ट किया? हाँ सर, हाँ। यस सर। कोई तकलीफ नहीं आई, ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है अपने को, क्योंकि अभी जब कंपनी लॉ पे जाओगे तो खाली आपको इंटरप्रिटेशन ही सीखना है, अगर वो नहीं आता तो कंपनी लॉ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो एक और क्वेश्चन ले लो इसका आंसर, तो फिर आज की क्लास रोकता हूँ, ठीक है। आप ये बताओ, मैं एक बार म्यूट करता हूँ यार आपको, और रोज जूम से 10:30 बजे है ना, तो चलो ये सुनो क्वेश्चन और इसका आंसर दो। XYZ लिमिटेड ओन्ड प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 100 करोड़ विच वॉज सोल्ड टू लक्ष्मी इंजीनियरिंग on condition that any resale of P&M by Lakshmi
engineering shall be on price decided by XYZ Limited. Is the condition valid? No, sir. No, sir, not valid. Why? Sir, price... Sir, this is resale price mechanism followed by XYZ Limited. Very good. Resale price maintenance, kya? Resale price maintenance, yes, sir. और ये कंडीशन क्या है, वैलिड है कि void? Void है सर. Void है. चलो ये बताओ, मैं जो हूं ना, मैं जो हूं, मैं संदीप को बोलता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही सामान की सप्लाई करोगे और ये हमारा अरेंजमेंट 2 साल तक का है, कोई बुराई है क्या? कोई इशू नहीं सर, कोई बुराई नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड सर, उसमें टाइम पीरियड दिया गया कि सिर्फ 2 साल का एग्रीमेंट है. और इसको अगर मैं लाइफ टाइम कर दूं तो वॉइड हो जाएगा. वॉइड है. आपको क्लैरिटी हो गई ना, जो पढ़े हो सीख गए ना? यस सर. यस सर. कार्टेज अच्छे से आता है कि नहीं आता है? यस सर. यस सर. परफेक्टली? यस सर. ठीक है, ये करते हैं, कल 10:30 बजे जूम पे ही मिलेंगे, है ना? ओके सर. ठीक है सर. ये करो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. ओके बाय सर.